आज हम जानेंगे ओवरहेड वाटर टैंकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है। इस सीरीज का ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने जाना था ओवरहेड वाटर टैंक को कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन कौन से वो कारण हैं, पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इसकी हाइट और कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं और इसको प्रॉपर ढंग से डिजाइन करते हैं। आने वाली सीरीज में दोस्तों हम जानेंगे इसकी स्ट्रक्चर मटेरियल की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इसका बीबीएस बनाया जाता है। इंजीनियर्स, इस वीडियो सीरीज से हमारा प्रयास ये है कि हम आपको समझा सकें, बता सकें ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इंजीनियर्स, कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग को रीड किया जाता है। चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इंजीनियर्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जनरली जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं वो थ्री डिफरेंट शेप्स में हमें मिलते हैं, सर्कुलर, ओवल और स्क्वायर। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। मेरे साइड में आप एक ड्राइंग देख रहे होंगे, ये एक जनरल ड्राइंग है जिसमें कि डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक है वो मेंशन कर रखे हैं। सबसे नीचे से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे नीचे आपको फाउंडेशन मिलेगी, उसके बाद जो है यहाँ पर ग्राउंड लेवल मेंशन कर रखा है और फाउंडेशन से निकलते हुए वर्टिकल कॉलम यहाँ पर मेंशन कर रखा है जिनका के साइज है 650 डायमीटर। अब इन वर्टिकल कॉलम को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जो है दो लेवल पे ब्रेसिंग यहाँ पर दिखा रखी है, या बीम्स भी कह सकते हैं, जिसका एक साइज है 300x600 mm का। ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा बॉटम रिंग बीम जो है जिसका साइज है 500x600 mm का। उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बीच में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉटम डोम, ठीक है, जिसका की थिकनेस 200 mm का है। मतलब ये डोम जो शेप की है वो स्लैब है जिसका 200 mm थिकनेस है। कॉनिकल डोम जो है यहाँ पर साइड में दिखा रखा है, 250 mm की थिकनेस दिखा रखी है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिडल रिंग बीम दिखा रखा है, मिडल रिंग बीम मतलब बॉटम रिंग बीम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, टैंक की। तो 500x300 mm का जो है इसका साइज है बीम का। उसके बाद जो है ये साइड्स जो हैं, जो साइड की वॉल है हमारी ओवरहेड वाटर टैंक की, उसका थिकनेस दिखा रखा है यहाँ पर 200 mm थिक। उसके ऊपर जाएंगे तो टॉप रिंग बीम जहाँ पे दिखा रखा है 250x300 mm का। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो डोम शेप का हमारा स्लैब है इस ओवरहेड डोम टेंट का, जिसका थिकनेस यहाँ पर दिखा रखा है 120 mm थिक। सो इंजीनियर्स, ये तो हो गई एक जनरल ड्राइंग। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर और जानते हैं, सीखते हैं ड्राइंग को रीड करना। सो इंजीनियर्स, आप देख पा रहे हो, इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इंजीनियर्स, कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कैसे हम ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग को रीड करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये एक ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग है, ठीक है, एक ये ड्राइंग है और एक ये ड्राइंग है। ये एक ही प्रोजेक्ट की दो अलग अलग ड्राइंग्स हैं, पर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट की ड्राइंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें जनरल नोट्स को पढ़ना चाहिए। जनरल नोट्स को पढ़ने से आपको ड्राइंग के बारे में काफी कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जनरल नोट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ देखिए साइड्स में आपको जनरल नोट्स मिल जाएंगे। और जब जनरल नोट्स को हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर एंड ऑल लेवल आर इन मीटर। तो ऑल लेवल्स आर इन मीटर, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है +98, +98.7, +100, +100.2, +100.65। तो ये लेवल मेंशन कर रखे हैं हमारे, ठीक है। इनका काम क्या होता है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बट अभी ये यहाँ पर लेवल है और ये लेवल इनकी यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। ये लेवल जो है मेंशन कर रखे हैं मीटर में। और यहाँ पर 500, 500, 500, 550, 520, 250, ये क्या है, ये डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन जो है इनकी यूनिट क्या है दोस्तों, इनकी यूनिट है मिलीमीटर। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 500 और 700, ये क्या है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। और लेवल ये यहाँ पर साइड में मेंशन कर रखे हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेस्मिक जोन थ्री
एंड बेसिक विंड स्पीड इज 47 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों क्या है, हमारा कंट्री जो है ना चार जो है सेस्मिक जोन में डिवाइड है, 2, 3, 4, 5 तक। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये सेस्मिक जोन कौन से में लोकेटेड है, ये 3 जोन में लोकेटेड है। और यहाँ पर विंड स्पीड जो कंसिडर की गई है वो 47 मीटर पर सेकेंड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड ऑफ मटेरियल्स में, यूज ऑफ कंक्रीट जो हमें करना है M25 करना है, ठीक है। डिजाइन मिक्स का अप्रूवल जो है हमें इंचार्ज इंजीनियर इंचार्ज से लेना है। यहाँ पर वाई जो डिनोट्स कर रहा है ये कर रहा है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स को, ठीक है, और जो कि है Fe 500, मतलब रीइंफोर्समेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो Fe 500 यूज कर रहे हैं। और वाई मतलब डायमीटर ऑफ हाई जो स्ट्रेंथ की हमारी स्टील है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ की स्टील है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है PCC एज पर NIT और मिनिमम M15, ठीक है। नोट्स ऑफ इन्फो जो है हमारे यहाँ पर दिया होगा, जनरल नोट्स में बता रखा होगा कि कौन सा हमें यूज करना है PCC के लिए, अदरवाइज जो है M15 तो करना ही करना है। और 100 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ 100 mm का होना चाहिए, मतलब PCC की थिकनेस 100 mm और जो इसके बाहर निकलता है जो नोचिंग निकलती है वो भी 100 mm की होनी चाहिए। थिकनेस 100 mm और नो जो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी 100 mm की यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जियोटेक रिपोर्ट ऑफ सॉइल लोकेशन ऑफ SBC ऑफ सॉइल 80 kN/mm/m² यहाँ पे कहा गया है एट 2 मीटर डेप्थ। मतलब क्या है दोस्तों, जब हम 2 मीटर की डेप्थ में जाएंगे तो वहां पर जो हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होगी वो 80 kN/m² होगी, ठीक है। एज पर द जनरल नोट्स जो कहा गया है वो 80 kN/m² यहाँ पर कहा गया है, ठीक, वो चीज याद रखना है। फाउंडेशन शेल बी रेस्ट ऑन गुड सॉइल, जो फाउंडेशन हम बनाएंगे गुड सॉइल के ऊपर बनाएंगे, ब्लैक सॉइल के ऊपर हमें फाउंडेशन नहीं बनानी है, ठीक है। और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है सॉइल से रिलेटेड, आपको लगता है ब्लैक सॉइल है, तो आप इंजीनियर इंचार्ज या आपके सॉइल कंसल्टेंट से रूबरू करेंगे, उससे जो है कन्वर्सेशन करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। केयर शेल बी टेकन इन टू अवॉइड एक्सीडेंट अपलिफ्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इफ ग्राउंड वाटर इज एनकाउंटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो आपको क्या करना है, डी वाटरिंग वहां पर प्रॉपर करते रहना है। और अगर आपका जो फाउंडेशन ट्रेंच ड्राई कंडीशन में हमेशा होना चाहिए, ठीक है जी, उसकी फुल स्ट्रेंथ के लिए प्रॉपर जो अगर प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम वहां पर होना चाहिए। मेंटेन साइट एंड सराउंडिंग एरिया टू अवॉइड लोकलाइज्ड टेम्पररी वाटर टेबल इफेक्ट। मतलब कई बार क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वाटर लेवल जो होता है ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पानी है 2 मीटर से पहले भी निकल सकता है। तो अगर इस कंडीशन में है तो आपको जो है वहां पर प्रॉपर ड्रेनिंग का सिस्टम वहां पर करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑल ओपनिंग्स एंड कटआउट्स इन स्लैब शैल बी लेफ्ट एज पर ड्रॉइंग, नो ओपनिंग कटआउट शैल बी मेड वंस कंक्रीट इज कास्ट एंड शैल बी वेरीफाइड बाय इंजीनियर इंचार्ज। मतलब अगर आपकी स्लैब में कोई भी जो हमारी इसकी स्लैब है ओवरहेड वाटर टैंक की, तो उसमें अगर कहीं पे कटआउट या ओपनिंग दिखा रखे तो एज पर ड्राइंग होगी। और एक बार अगर कभी मिस हो गया तो उसके बाद जो है कोई भी आप जो है अपने से उसमें कोई भी कटआउट नहीं बनाएंगे, और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इंजीनियर इंचार्ज से आप कंसर्न करेंगे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है स्ट्रक्चर डिजाइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द ड्रॉइंग्स एंड अनवांटेड एक्सीडेंटल इन एनी केस वेरिफिकेशन रीइंफोर्समेंट। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर जो कहा गया है कि जो है साइट पे क्या हो रहा है, अगर ड्रॉइंग इशू की गई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये साइट इंजीनियर की साइट इंचार्ज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज पर ड्रॉइंग साइट के ऊपर काम किया जाए। कल की डेट में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कंसल्टेंट कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की, यही है, उसने कहा कि लीगली मैं भी किसी चीज के लिए बाउंडेड नहीं हूं अगर साइट पे कोई चीज प्रॉपर ढंग से जो है फॉलो नहीं की जा रही है। तो यहां पर डेवलपमेंट लेंथ की अगर हम बात करें तो कॉलम के लिए, बिम के लिए एंड फाउंडेशन के लिए 50D कहा गया है, वर्टिकल एंड अदर्स के लिए भी 50D कहा गया है। LD जो LD हम लोग लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ, LD+100 उसने कहा है, LD जो है आपको LD+100 लेना है, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है।
इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शंस इन द ड्राइंग कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर डिजाइनर बिफोर एग्जीक्यूशन, अगर आपको कोई भी लगता है कि डेविएशन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो ड्राइंग में क्या होता है कई बार जो है एक ड्राइंग में कुछ दिखा रहा है, दूसरी ड्राइंग में कुछ दिखा रहा है, इस तरह के अगर आपको कहीं भी लगता है कोई सिचुएशन आ रही है आपके सामने, तो आप जो है अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से कंसर्न कीजिए, अपने खुद से डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मोर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील बार शैल बी स्प्लाइज्ड एट एनी वन सेक्शन। मतलब कई बार क्या लैपिंग जो जनरली कहते हैं ना, लैप लैप देना, तो लैप जो है अगर आप दे रहे हैं तो वो 50% जो है एक पॉइंट पे होने चाहिए। चार बार है तो दो को एक लोकेशन पे और दो को अलग लोकेशन पे आप लैप करेंगे, एक ही जगह पे टर्मिनेट नहीं करेंगे सबको, ये चीज यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर नंबर ऑफ बार राउंडेड अप द वैल्यू अप टू द नियरेस्ट डिजिट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिंग रिस्पेक्ट टू स्पेसिंग एंड लेंथ। मतलब जो भी है नियरेस्ट डिजिट तक जो है उसको राउंड ऑफ करना है आपको, ठीक है। द सेंटरिंग ऑफ सेंटरिंग के बारे में यहाँ क्या कहा गया है, द सेंटरिंग ऑफ फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर शैल नॉट बी रिमूव बिफोर, ठीक है, कंक्रीट शैल बी अचीव्ड अ क्यूब क्रशिंग स्ट्रेंथ एट 7 days एटलीस्ट 68% एंड इट्स फाइनल क्यूब स्ट्रेंथ नॉर्मली जो है हम लोग 99 और 100% जो अचीव कर लेते हैं 28 days के अंदर, तो वो यहाँ पर कहा गया है। मतलब जब भी हम लोग कोई कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कंक्रीट करते हुए जो है क्यूब टेस्ट हम लोग करते हैं 7 days और 28 days के अंदर, तो 7 days में कहा गया स्ट्रेंथ जो है 68% आनी चाहिए और 28 days के अंदर 100% जो है अचीव करना चाहिए कंक्रीट को, स्ट्रेंथ को। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया, अगर आप क्यूब टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, तो क्यूब टेस्ट भी आपको साइड पे करना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कि स्लैब स्पेसिंग अगर हम बात करें, सॉरी, इन केस ऑफ वेयर ओपीसी इज यूज फॉर्म्स मे जनरली बी रिमूव्ड आफ्टर द फॉलोइंग पीरियड। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हो तो इसके लिए ये यहाँ पर डीशटरिंग का जो है शेड्यूल दे रखा है। स्लैब जो है 4.5 से लेके 4.5 मीटर तक की आपकी अगर स्पैन है तो 14 डेज के अंदर जो है आप उस जो है सॉरी 7 डेज में आप रिमूव कर सकते हो, डीशटरिंग कर सकते हो, और जो है 6 मीटर से अबव है या अप टू 6 मीटर है तो 14 डेज के अंदर। बीम सॉफिट विद रिस्पेक्ट विद प्रॉप्स लेफ्ट अंडर 7 डेज। कॉलम्स की जो साइड्स होती हैं वो आप 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हो। वर्टिकल साइड्स ऑफ बीम 48 आवर्स के बाद आप रिमूव कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रॉपर प्रॉप्स एंड देयर साइजेस शैल बी सच दैट सो दैट बी एबल टू कैरी द फुल लोड डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड ऑल्सो द लोड ड्यू टू द कंक्रीटिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन साइट इंचार्ज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि कितने दिन के अंदर जो है आपको डीशटर करना है, ठीक है। 7 days के अंदर जो है अगर आपको जो ओपीसी सीमेंट है तो आप 7 days के बाद जो है स्लैब का बॉटम रिमूव कर सकते हो, 14 days के बाद जो है पूरा निकाल सकते हो अगर आपकी स्पैन जो लेंथ है 6 मीटर के अंडर है। और इसी प्रकार से बिम के लिए और कॉलम के लिए भी उन्होंने कॉलम के केस में कॉलम्स के लिए 24 आवर और बिम्स की साइड्स के लिए वर्टिकल साइड्स ऑफ जो बिम है वो 48 आवर्स के बाद आप निकाल सकते हो। बिम की बॉटम को आपको लगाए रखना है जब तक कि वो प्रॉपर जो है स्ट्रेंथ अचीव ना कर ले तब तक, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कही गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर लीजेंड दे रखे हैं कहाँ कहाँ पर जो है EF, CC, RF, RB, ठीक है। यहाँ पर ये इनके बता रखा है ईच फेस सेंटर टू सेंटर रीइंफोर्समेंट रिंग बीम SB जहाँ पे मिलेगा स्टीयर बीम टिपिकल मतलब टिपिकल TV मतलब टाई बीम BTM मतलब बॉटम, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट लेंथ यहाँ पर दिख रखा है A अगर 300 है ऐसा डिमार्क होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्लियर कवर जो है क्लियर कवर कवर जो हम लोग लेते हैं कवर आपको मालूम होगा कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं कवरिंग को और किस लिए करते हैं स्टील को जो है एक्सटर्नल क्लाइमेट से और एक्सटर्नल कंडीशन से बचाया जा सके तो इसलिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कवर जो है मेंशन कर रखा है कितने एमएम का जो है आपको कवर यहाँ पर कंसिडर करना है जब भी आप ये काम कर रहे हो उस टाइम पे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर टॉप स्पेस ऑफ टॉप स्प्लैश ऑफ बॉटम स्लैब में 30 का कहा गया है,
इसी तरह से कॉलम में 40 का, ब्रेस बीम का 30 का, ठीक है, स्टेयर केस जो बीम्स होंगे 30 का कहा गया है, साइड्स ऑफ यहाँ पर क्या कॉर्नर, साइड्स ऑफ कॉर्नर 40 mm का कहा गया है, स्टेयर बेस स्लैब स्लैब में 25 का कहा गया है, एनुअल एनुलर राफ्ट में 50 mm का कहा गया है। तो ये जो है कवर यहाँ पर बता रखे हैं, बीम्स वगैरह में 30 mm का यहाँ पर उसने मेंशन कर रखा है, ठीक है, क्लियर कवर यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा टैंक 250 किलोलीटर का है, 12 मीटर स्टेजिंग है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, अब बात करेंगे हमारी इस ड्राइंग की। अगर इस ड्राइंग को हम देखें तो सबसे नीचे अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए लेवल क्या दिखा रखा है, यहाँ पर पीसीसी का टॉप लेवल जो है 98 मीटर दिखा रखा है, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे 98 जो है ये मीटर में है, तो लेवल जो है ये मीटर्स में है, तो यहाँ पर जो पीसीसी का टॉप है वो 98 मीटर है। जो हमारा फाउंडेशन का जो लेवल है, फाउंडेशन टॉप, तो वो है 90 जो है 8.7, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारा पेडिस्टल होता है, यहाँ पर एक्चुअली बीम है, जो आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा, यहाँ पर बीम है, ठीक है, बॉटम ये फाउंडेशन बीम है, बीम का जो टॉप है 98.7 है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल जो है वो है 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर का, उसके ऊपर जो है बीम है, अपना जो है प्लिंथ प्रोटेक्शन जो है हमारी वो यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है, प्लिंथ प्रोटेक्शन दिखा रखी है इसकी, जो जो लेवल है 100.650 मीटर। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे जो हमारा ये ब्रेसिंग है, ब्रेसिंग का बॉटम लेवल है 100.103.9, ब्रेसिंग जो बीम है उसका जो टॉप लेवल है 104.35, जो नेक्स्ट ब्रेसिंग है उसकी अगर देखेंगे बॉटम का 100.107.6, 108.05 मीटर है ये टॉप जो बीम है हमारा। अगर हम बात करेंगे तो उसका टॉप लेवल जो है 112 मीटर का है, और जो टैंक है इसकी अगर हम हाइट देखें तो 4250 mm। अब देखिए क्योंकि उसने यूनिट कहा था जो हम डायमेंशन ले रहे हैं उसकी mm, तो इसलिए 4250 mm मतलब 4.25 मीटर, तो यहाँ पर इसका 11.116.25 मीटर में है ये, और ये डोम है, इसकी कैपेसिटी यहाँ पर दिखा रखी है 250 किलो लीटर, ठीक है, एज पर फैब्रिकेटेड एज्यूम टैंक 0.8, जो इसकी जो इसका डायमीटर है वो है इसका 8.6 मीटर, 8.66 मीटर, ठीक है, डायमीटर जो है आउटसाइड से आउटसाइडर का वो है 8.66 मीटर। ये तो हो गया हमारा एक जनरल सेक्शन। अगर हम यहीं पे देखें तो यहाँ पर लेवल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रखा है पीसीसी के टॉप से लेके ग्राउंड लेवल तक का 2000 mm जो है हमारा डेप्थ है, उसके बाद जो है जो हमारा ब्रेसिंग है और ग्राउंड लेवल के जो डिस्टेंस है, हाइट जो है 200 mm की है, 2450 का ब्रेसिंग है, 450 का यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर फिफ्थ जो है 450 mm, फिर ये हमारा जो है डिस्टेंस बिटवीन ब्रेसिंग एंड जो हमारा बॉटम बीम है जो उसका जो है डेप्थ 2 3250 mm है, 700 डेप्थ का जो है हमारा बीम है, और 4250 का जो है हमारा 4250 का हमारा क्या है टैंक का हाइट है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो 98.8 मीटर का जो है पीसी का टॉप दिखा रखा है, टिपिकल सेक्शन है ये, फुटिंग प्लान फॉर फुटिंग का जो है M20 का यहाँ पर दिखा रखा है, उसके बाद 98.7 लेवल दिखा रखा है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल, टिपिकल डिटेल भी दिखा रखा है, रिइंफोर्समेंट डिटेल भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कॉलम है हमारा उसमें हमारा रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, कॉलम का जो है रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, लैपिंग जोन जो है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर। बट उससे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर चलते हैं और इसका जो प्लान है उस प्लान को पढ़ लेते हैं। हमने तो यहाँ पर पढ़ा, ऊपर हमने देखा सेक्शन, ठीक है, एलिवेशन दिखा रखा था, एलिवेशन में हमने देखा, अब ये है इसका जनरल प्लान ऑफ राफ्ट स्लैब एट लेवल 98। तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे जो हम देखेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ से टॉप व्यू दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है जी। तो ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो ये चीज हमें दिख रही है, यहाँ पर ग्रिड लाइन आपको मेंशन कर रखी है, 1 2 3 4 5 ग्रिड लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है, वर्टिकल ग्रिड लाइन ए बी सी डी ई जो है हमारी, ये वर्टिकल ग्रिड लाइन्स है। यहाँ इसका डायमीटर यहाँ पर रेफरेंस जो है रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर,
है, ये डायमीटर जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेंटर ऑफ द टैंक यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक। और इसको और इसके सेक्शन देखिए, यहाँ पर ये जो है ना 14, ये आप पढ़ रहे होंगे, ये 14 क्या है, ये सेक्शन जब हम काटते हैं कहीं पे भी तो ये सेक्शन यहाँ पे काटने का इस तरह से निशान बनाया जाता है, ये सिंबल्स है रिप्रेजेंटेशन का। तो ये सेक्शन जो है 14 अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा हमारा, ये देखिए यहाँ साइड में दिखा रखा है सेक्शन 14। अगर हम इस तरीके से सेक्शन काट रहे हैं, इस फाउंडेशन प्लान को काट रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए नीचे सबसे नीचे जो है पीसीसी है और उसकी थिकनेस कितनी है 100 mm है, और जो उसका प्रोजेक्शन था वो भी 100 mm है, ठीक है जी। जो ये राफ्ट है, राफ्ट क्या है, पूरी की पूरी सर्कुलर राफ्ट है ये, और ये ट्रेपेजॉइडल शेप में है। सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रेपेजॉइडल शेप में, और इसके जो थिकनेस है ट्रेपेजॉइडल, जो नीचे का स्क्वायर पोर्शन जो है या रेक्टेंगुलर भी कह सकते हो, उसका जो है आपका 300 mm डेप्थ है, और जो टॉप ऑफ द जो हमारा ट्रेपेजॉइडल फाउंड फुटिंग है उसका टॉप कितना है 500 mm। नीचे आप देख, जैसे मैंने आपको बताया था एक बीम है बीच में, तो बीम जो है वो आपका 700 mm उसकी डेप्थ है, ठीक है जी। अब जो फाउंडेशन है उसकी रिइंफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, इनर प्रोजेक्शन ठीक है, उसकी जो है यहाँ पर दिखा रखा है कि Y10, मतलब वाई मतलब डाया ऑफ बार, ठीक है, सॉरी वाई मतलब जो था हाई स्ट्रेंथ स्टील डिफॉर्म बार्स, और उसका डाया जो है वो 10 डाया का है, 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर कर रखा है। आउटर प्रोजेक्शन के लिए भी सेम उसने कहा है, ठीक है जी, 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर कहा है। उसके बाद यहाँ अगर आप डीप में जाएंगे तो यहाँ पर टॉप मैट नहीं दिखा रखा था, जो कि बाद में जो भी कंसल्टेंट है उसने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि नीचे से तो मैट है ही है, टॉप मैट भी आपको डालना है, तो उसके लिए उसने डिटेल यहाँ पे दे रखा है 100 mm 150 सेंटर टू सेंटर, सॉरी 10 mm और 150 सेंटर टू सेंटर जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे वाली जो बॉटम बार्स हैं उसके लिए उसने कहा हुआ है क्या, Y12 एट 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है जी। तो Y12 मतलब डाया ऑफ बार इज 12 mm और 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये सेक्शन यहाँ पर दिखा रखा है, और ये ग्राउंड लेवल यहाँ से पीसीसी के टॉप से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस हाइट डेप्थ कितना है, 2 मीटर का डेप्थ है, ठीक है। जीएल कितना है 100 mm का, यहाँ पे 100 मीटर का जो है जीएल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेक्शन हमने पढ़ा। नेक्स्ट RB3 लिखा हुआ है यहाँ पर, RB3। अब RB3 क्या है, देखिए RB3 ये दिखा रखा है, RB3 ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ना, इसको जब हम देखेंगे RB3 में, तो ये जो है इसकी डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है, ये जो बिम है इसकी डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है, 500 बाई 700 mm का ये बिम है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसमें यूज हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर है, ये भी क्या है सर्कुलर ही है हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से, और इसका डिटेल 500 यहाँ दिखा रखा है, ठीक है जी। आरबी आप देख रहे हैं ना, ये आरबी जो है ये इस बिम का जो है ये सेक्शन है, ये बिम है यहाँ पर आरबी, तो इसका ये सेक्शन यहाँ पे काट के दिखा रखा है, राफ्ट बिम इसको कहा हुआ है, और इसका डिटेल है 500 बाई 700 mm, मतलब ये सेंटर वाला जो बिम था ना इसका डिटेल यहाँ पर दिखा रखा है, इसमें रिइंफोर्समेंट कैसे हैं वो यहाँ पर दिखा रखे, RB3 500 बाई 700 mm, और इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है? जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M25 का यूज हो रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 4 नंबर ऑफ 16 डाया की थ्रो आउट बार यहाँ पे दिखा रखे बॉटम में, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है टॉप मिडिल में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रखा है, एक बार दिखा रखी है इस फेस पे 12 डाया की, और टॉप में अगर देखेंगे तो 4 बार है 16 डाया की थ्रू आउट पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है बार्स को, जो बिम है हमारा RB3 उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। उसके अगर हम ऊपर जाएंगे दोस्तों तो उसके ऊपर देखिए सेक्शन 13 13। अब ये सेक्शन 13 13 का है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्या है, रिइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ बॉटम स्लैब 200 mm थिक। अब क्या ये जो बॉटम स्लैब है ना, जो इस टैंक की जो स्लैब बॉटम की स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है, 200 mm की है, और 30 mm का ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, M30 का यूज हो रहा है, और उसकी डिटेल यहाँ पर M30 मतलब ये यहाँ से देखिए यहाँ से सेक्शन इसका काट रखा है, सेक्शन यहाँ से काटा हुआ है, तो सेक्शन का डिटेल यहाँ पर दे रखा है, सेक्शन डिटेल यहाँ पर दे रखा है, आपको यहाँ पर पूरा पढ़ने में आएगा ये यहाँ पर डिटेल दे रखा है, ठीक है 13 का। अगर इसकी हम डिटेल देखेंगे, थिकनेस यहाँ पर दिखा रखी है 200 mm की, बॉटम रिइंफोर्समेंट की बात करें तो 10 डाया का 200 सेंटर टू सेंटर जो है डिस्टेंस दिखा रखा है, और उसके अलावा जो है अगर हम टॉप में देखेंगे तो 10 डाया का 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिखा रखा है, ठीक है। और जो है जिस सेम उसी तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, ये इसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है।
उसके अलावा जो बाहर जो प्रोजेक्शन है, छज्जा जो बाहर निकला हुआ है ना, ये साइड में जो स्टेयर केस के लिए, उसकी जो है उसकी थिकनेस ऑफ द स्लैब कितनी है, 150 mm। यहाँ पे आप देखेंगे 150 mm जो है स्लैब जो है यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। चारों तरफ जो होते हैं ना, जहाँ पे जिस पे हम अगर टैंक के चारों तरफ जाएंगे तो घूमने के लिए जो जगह होती है मेंटेनेंस के टाइम पे या कभी भी, तो वो जो है 150 mm की स्लैब थिकनेस है। उसके अलावा ये बीम सेक्शन दिखा रखा है 11 11 और 12 12 का, ये कहाँ पर है ये देख लेते हैं। सेक्शन 12 और सेक्शन 11, तो यहाँ देखिए अगर आप इसके अंदर सेक्शन 11, तो 13 यहाँ है, 11 11 11। अच्छा ये यहाँ पर जो है बीम, ये ब्रेस, ये जो बीम है ना हमारे, ये बीम यहाँ दिखा रखा है, इसका सेक्शन भी दिखा रखा है, ठीक है। 11 और 12 अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिखा रखे हैं दो, तो ये इसी बीम के ही सेक्शन है 500 बाई 700 के। 11 और 12 दो अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिखा रखे हैं। साइड में आप पढ़ेंगे तो लैपिंग जोन ऑफ बार्स एज पर साइट कंडीशंस स्पेसिंग रिंग्स इन लैपिंग जो है, इन लैपिंग जोन में जो है नॉट मोर देन 100 mm का, जो इस रिंग्स के बीच में डिस्टेंस जो होना चाहिए 100 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक ड्राइंग। यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम का डिटेल दे रखा है नीचे, अगर आप देखेंगे तो कॉलम का डिटेल यहाँ पे दे रखा है। कॉलम जो है उसका जो वर्टिकल कॉलम है जो सर्कुलर शेप के हैं, 500 डायामीटर है उसका, ठीक है जी। और उसमें जो बार्स हैं 9 बार्स, या सॉरी काट के जो है इसको यहाँ पर इंजीनियर ने करेक्ट किया हुआ है, 8 बार है 16 डाया की वर्टिकल बार, और सेम 70 जो है यहाँ पर उसका दिखा रखा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल जो है 98 से लेके 112 लेवल तक जा रही है जो रिइंफोर्समेंट वर्टिकल बार ऑफ द कॉलम की, ये यहाँ पे कॉलम मेंशन है, ये सर्कुलर कॉलम अगर आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे कॉलम इनका डिटेल ये दे रखा है, इसमें 8 बार हैं और जिनका कि 16 डाया है। सेकंड ड्राइंग के ऊपर चलते हैं। सेकंड ड्राइंग में अगर आप देखेंगे डिटेल में, तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इसको, यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा ड्राइंग है, ये वर्टिकल कॉलम है, ये ब्रेसिंग दिखा रखे हैं और ये स्टेयर केस दिखा रखा है, ठीक है। और ये इसकी बिम डिटेल्स हैं। सो गाइस आज का ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एक ड्राइंग हमने डिटेल में पढ़ना सीखा, जनरल नोट्स को पढ़ा, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे काफी कुछ आपको हेल्प होगी ओवरहेड वाटर टैंक को समझने में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी ड्राइंग को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम जो है अदर जो स्टेयर केस की डिटेल्स हैं, बिम्स की डिटेल्स हैं, उनको कैसे रीड करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वांटिटी भी निकालेंगे और फिर उसका BBS भी बनाएंगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।